नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनावों में 5 सीटें हारने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर सीएम सैनी अंबाला में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर भड़ास निकाली। सीएम नायब सैनी ने कहा कि बीजेपी घर घर जाकर कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करेगी। जो फॉर्म कांग्रेस ने भरवाए थे उसके मुताबिक अब 8,500 रुपए दें। इसके साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस झूठ की नींव पर खड़ी हुई है और आने वाले चुनाव में इनका सूपड़ा साफ होगा और कांग्रेस कहीं नजर नहीं आएगी। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर जल संकट को लेकर दिल्ली के आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी। देखिए, आने वाले समय के अंदर विधानसभा के हरियाणा के चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उस झूठ को घर घर जाकर के पर्दाफाश करने का काम करेगी। जो कांग्रेस ने झूठ के ऊपर अपनी नींव को खड़ा करने की कोशिश की है, लोगों के बीच में झूठ बोल करके और भ्रम फैला करके कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, कांग्रेस ने आज तक देश प्रदेश के लोगों के हित के लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं लेकर के आई जिसको उनको लाभ मिले। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 वर्षों के अंदर हर योजना लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए चलाई। देश को आज इन 10 वर्षों के अंदर मजबूती से विकास की गति के ऊपर बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस लगातार झूठ बोल करके मोदी के उन कार्यों को दबाना चाहती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस के इस झूठ को अब बिकने नहीं देगा। मजबूती से खड़ा होकर के उनके उस झूठ का पर्दाफाश करने का काम करेगा। जो लोग बोलते थे, जिन्होंने फार्म भी भरे हैं, इस प्रकार के फार्म भरे हैं कि आपके हर महीने 8,500 रुपए आएंगे, देना कांग्रेस के लोग कहां से देंगे, दें वो कहां से देंगे। अरे, लोगों के बीच में झूठ बोल करके इस प्रकार का भ्रम फैला देना और ये बात कह देना मंच के ऊपर खड़ा होकर के, संविधान की बुक लेकर के, कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, कि संविधान खत्म हो जाएगा। अरे, इस संविधान को ना कभी किसी ने खत्म किया है, ना कि खत्म होगा। संविधान के अनुरूप देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। कांग्रेस के समय के अंदर तो ये देश उस संविधान को भी अपमान करने का काम इन लोगों ने किया है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो लोग हैं, ये झूठ की नींव के ऊपर खड़े हुए हैं, जल्दी ही इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। आज हर समस्या का समाधान हमारी सरकार कर रही है और लोगों के लाभ पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने, इन 10 वर्षों के अंदर डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। कांग्रेस के लोग ये बात बोलते हैं, नौकरियों की बात करते हैं। मैं बार बार इस बात को लेकर के बोलता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात को बताए कि मेरी 10 वर्ष तक सरकार रही है, कितने युवाओं को रोजगार दिया है, किस आधार के ऊपर दिया है। कांग्रेस के नेता भी मंचों के ऊपर बताएं, परंतु हमारी सरकार। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के जल, थल और वायु सेना के अध्यक्षों को शपथ ग्रहण समारोह में छठी पंक्ति में स्थान दिया गया, जबकि फिल्मकार और बड़े बड़े उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में दूसरी पंक्ति में विराजमान थे। ये एक तरह से हमारे सैनिकों का अपमान है। आज हमारा ये ठीक है या सिंपल बोलिए, हटा दो। आज हमारा धन्यवादी सभा झज्जर विधानसभा क्षेत्र और बादली विधानसभा क्षेत्र की हमारी एक कार्यकर्ता मीटिंग के माध्यम से हमने सबका धन्यवाद किया, क्योंकि ये जीत लोगों की जीत है। ये जीत रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी के लोगों की जीत है। ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। मेरा तो केवल एक नामित के रूप में एक उम्मीदवार जरूर था मैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार सोनीपत में बीजेपी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को लेकर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव के हर घर में जाकर लोगों को बीजेपी द्वारा किए गए जनहित कार्यों से अवगत कराएं। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री
नायब सैनी द्वारा गरीबों को प्लॉट का कब्जा और रजिस्ट्री दिलवाने का कार्य पूरा करवाया जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री ने विकास कार्यों का जो रोड मैप तैयार किया है उस पर कार्य शुरू हो चुका है। हमने आज तय किया कि सभी हमारे जो विधानसभा के प्रभारी और संयोजक और हमारे जिला के प्रभारी और संयोजक और हमारे पार्टी के कैंडिडेट उस नौ के नौ विधानसभा में कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे, जो पन्ना प्रमुख से लेकर ऊपर तक सभी कार्यकर्ता उस मीटिंग में होंगे और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर से हम तीसरी बार भी हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे। अम्बाला संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए वरुण चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से सत्ता में आएगी। उन्हें दुख है कि मुलाना वासियों ने जो जिम्मेदारी दी थी समय से पहले उसे छोड़ना पड़ा, लेकिन अम्बाला संसदीय क्षेत्र की जनता ने उससे भी बड़ी जिम्मेदारी दी है जिसे वो पूरी निष्ठा से निभाएंगे। देखिए, बहुत जन जन का साथ मिला है और विधानसभा वार जो है धन्यवाद कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मैं पहले दिन से कहता आया कि ये जो चुनाव है ये जन जन ने लड़ा है और जन जन ने जीता है, तो आज मेरी तरफ से ये आभार जो है हृदय की गहराइयों से हाथ जोड़कर मैं सभी का, खास तौर पे यमुनानगर विधानसभा वासियों का करने के लिए आज आया। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज है, सभी दल एक्टिव मोड में हैं। इसी क्रम में कांग्रेस नेता सुनीता नेहरा कुरुक्षेत्र के शाहबाद विधानसभा के गांव धुराला समेत दर्जनों ने पहला अपना चुनाव लड़ा। पंजाबी रामलीला मैदान में एक युवती ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सूचना पर थाना प्रभारी राजकुमार, चौकी प्रभारी सुरेश कुमार व फॉरेंसिक विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए। मिली जानकारी के अनुसार उस समय घर में कोई नहीं था। 22 साल की संगीता ने जनवरी 2024 में अपनी मर्जी से रवि पुत्र रामेश्वर वासी गांव गुल्लरपुर थाना निसिंग जिला करनाल के साथ प्रेम विवाह कर लिया था। मृतका के पिता का आरोप है कि उनकी लड़की संगीता को उसके पति रवि, उसके ससुर, सास और नंदों ने दहेज के लिए गला घोट कर मारा है। सूचना मिली थी कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। मैं अपने दलबल के साथ मौका पर पहुंचा, एसएचओ साहब को सूचना दी, एसएचओ साहब भी मौका पर आए, फॉरेंसिक टीम को बुलाया। इस लड़की ने जी शादी की थी जनवरी 2024, मुकदमा दर्ज करवाया था करके नगर से, वो प्रोटेक्शन लेके इनने वापस, तब से ही यहाँ अपने पति के साथ रह रही थी। इसका पति रात को बाहर गया हुआ था और इसने सुसाइड किया है। आपके घर वालों को सूचना दी हुई है, मौका पर आने वाले हैं। हरियाणा सरकार द्वारा गरीब व्यक्तियों के लिए निशुल्क यात्रा के लिए रोडवेज विभाग द्वारा बनाए जा रहे हैप्पी कार्ड लेने के लिए लोगों की काफी भीड़ चरखी दादरी बस स्टैंड पर पहुंच रही है। लोगों की भीड़ को देखते हुए विभाग द्वारा जहां बस स्टैंड पर स्पेशल काउंटर लगाए गए हैं, वहीं पात्रों को उनके कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। चरखी दादरी जिले के करीब 35,000 लोगों के हैप्पी कार्ड बनकर आ चुके हैं जिनका प्रतिदिन वितरण किया जा रहा है। वहीं लोगों द्वारा लगातार ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया भी जारी है। वहीं रोडवेज की यातायात शाखा के कर्मचारी जगफूल नागिल ने बताया कि जिले के 35,000 लोगों के हैप्पी कार्ड बनकर आ चुके हैं जिनमें से करीब 6,500 कार्ड का वितरण किया जा चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को हैप्पी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। हैप्पी कार्ड का मतलब है जो हरियाणा अंत्योदय परिवार पहचान योजना। इसके तहत जिस परिवार की फैमिली आईडी में इनकम 1,00,000 से कम है, उस परिवार में चाहे जितने भी सदस्य हों, सब सदस्यों को एक साल में 1,000 किलोमीटर हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा रोडवेज में फ्री यात्रा करवाई जा रही है, उसके लिए हैप्पी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। अब चरखी दादरी में अभी तक 35,000 हैप्पी कार्ड बन के आ चुके हैं। हमने
लगभग 6,500 के करीब कार्डों को वितरण कर दिया है। यहाँ हमने 5 काउंटर लगाए हुए हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में 20 रुपए किलो बिकने वाला प्याज की कीमतों में अचानक उछाल आ गया है। प्याज अब 40 रुपए किलो तक पहुंच गया है, जिसने लोगों की आंखों में बिना काटे ही आंसू ला दिए हैं। महिलाओं ने कहा कि प्याज के साथ अन्य सब्जियों के बढ़ते दामों ने इनकी रसोई का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। तो सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि प्याज के निर्यात और गर्मी में खराब हुई प्याज की फसल के कारण इसके दामों में वृद्धि हुई है। ट्रांसपोर्ट भाड़ा बढ़ना भी इसका मुख्य कारण है। अभी प्याज के दाम 40 रुपए किलो हैं, जो 80 रुपए किलो तक जा सकते हैं। हाँ, सब कुछ महंगा हो गया भैया, बजट में बहुत ज्यादा असर आ रहा है। रसोई पे कितना असर पड़ता है इसका? काफी असर आ रहा है, हर चीज महंगी हो रही है। आज आपने कितने प्याज लिए? प्याज मैंने छोटी छोटी मीमी पतली लिए तड़के के लिए, ताकि सस्ती पड़ी हो थोड़ी सी। तो हाँ, पहले 4-5 अब कम लेते हैं। हाँ, मैं कम लिए ये, और क्या, क्योंकि बजट देख के चलना पड़ता है भैया। महंगाई है, बच्चे है, पढ़ाई उड़ाई सब कुछ ही महंगा हो रहा है। कहीं लगता नहीं है कि प्याज ने स्वाद बिगाड़ दिया है रसोई का? प्याज ने भी बिगाड़ दिया, सारा ही सामान महंगा हो रहा है, महंगाई तो ज्यादा ही हो रही। प्याज अचानक और क्या और भी बढ़ेगी, चिंता ही हो रही है तो भैया। और क्या, प्याज का रेट क्या चल रहा है? 40 रुपए किलो जी, पहले तो 25-20 था, इसके 40 रुपए। फसल खराब होने से बाहर बाहर कंट्री जाती है प्याज, इस कारण महंगी हो रही है। बाहर किसका पता है, यही तो लग रहा है, फसल कम है इसीलिए सब आलू प्याज सारा भी रेट बढ़ गया। सब्जी का आलू का है 35 रुपए किलो आलू बिक रहा है, पहले तो 25-30 था। रोज बढ़े में 5 रुपए डिस्काउंट, एक दो दिन छोड़कर 5 रुपए किलो बढ़ रहा है। असल में मेन बात है गर्मी से फसल को खराब होना, इसमें बाद कुछ भी ले लो, प्याज आगे से ही महंगी है। एक तो ट्रांसपोर्ट खर्चा इतना बढ़ रहा है डेली मीटर हिसाब से, फिर यहाँ आएगा फिर उसका खर्चा लगेगा। आज प्याज बिक रही है 40 और 35 का बीच में। अब ये जैसे ये लहसुन है, पहले लहसुन का आया करता, पहले बीच में एक साल पहले टमाटर जैसे फसल खराब हुई है ना, ऐसे ही लहसुन की फसल खराब हुई है, इसकी वजह से लहसुन महंगा हो रहा है। सब मंडी में आए हैं प्याज के दाम, दूसरी सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सभी के बढ़ रहे हैं, अभी तो एक हफ्ते से पूरी सारी सब्जियों बढ़ गई है, कोई सब्जी खराब से खराब, लोग की भी 60 रुपए कम नहीं। प्याज क्या रेट मिल रहा है अभी? 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो, और हफ्ता पहले क्या रेट था? हफ्ता वो तो 20 रुपए था, डबल रेट हो गया। क्या कारण मानते हैं इसका? कहां गया ये तो, बाहर फॉर्म जारी होंगी, अच्छी प्याज अपनी लोकल गर्मी होगी। प्याज चल रही थोक का रेट 30-32 रुपए किलो, 100 रुपए दड़ी प्याज यहाँ खुली बिक रही है 40 रुपए किलो। हाँ जी, थोक का रेट का। हाँ, एक हफ्ता पहले गर्मी की वजह से माल आ रहा है कम, सब्जी नष्ट हो रही, इस वजह से रेट हो रहा है हाई फाई। ये आई साल का रेट है, इन दिनों में सब्जियां महंगी होती है 2 महीनों के लिए। हर सब्जी में 10-15 रुपए किलो रेट बढ़ोतरी हो रही है, सब्जी की वजह से रेट ग्राहक उतना ही है, सौदा उतना ही बिकता है, सब्जियां कम आ रही है, तो अपना आप ही सब्जी महंगी होती आ रही है। फरीदाबाद के सेक्टर 62 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 13 साल के बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। बच्चे का शव मिलने के बाद परिजनों ने थाने में पहुंचकर जमकर हंगामा किया, साथ ही पुलिस पर लापरवाही के आरोप भी परिजनों की ओर से लगाए गए। बताया जा रहा है कि कर्ज में डूबे एक युवक ने पैसों के लालच में अपने ही दोस्त के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। सामने आया है कि आरोपी ने बच्चे का अपहरण कर उसे ज्यादा मात्रा में नशीला पदार्थ खिला दिया था, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल ने जिला कारागार और महिला पुलिस स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
महिला थाने में शिकायत लेकर पहुंची। महिला शिकायतकर्ताओं की फरियाद सुनते हुए थाना प्रबंधक को मामले में संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने जेल की बैरकों और जेल में स्थापित कानूनी सहायता क्लिनिक और जेल अस्पताल का भी निरीक्षण किया। जेल अधिकारियों को खाना पकाने में साफ सफाई का ध्यान रखने के भी निर्देश दिए। जेल अधिकारियों ने बताया कि जेल में फिलहाल कोई महिला बंदी और कैदी नहीं है। जेल में निर्माण कार्य होने की वजह से महिला बंदियों और कैदियों को रोहतक जिला जेल में स्थानांतरित किया गया है। आज बहन सोनिया अग्रवाल जी ने महिला थाने का जिला जज्जर में निरीक्षण किया है और इस संबंध में जो कई पार्टियां थाने में आई हुई थी उनकी समस्या को समझा जाना और उनका घर बसाने के लिए काफ़ी एक अच्छे जो प्रयास हैं वो किए और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सार्थक साबित होंगे और उनका घर अवश्य बसेगा। हमारे एसपी साहब डॉक्टर आरपी जैन जी हैं, डीसीपी हेडक्वार्टर हैं, उनका भी प्रयास रहता है कि कोई भी आदमी नशे की लत से दूर रहे। मैं सोनिया अग्रवाल, वाइस चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। आज मैंने जो है झज्जर का दौरा किया जिसमें मैंने झज्जर की जेल विजिट किया और साथ में महिला थाने का अचानक जो है औचक निरीक्षण जो है आज किया गया विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। अचानक महिला थाना साथ में जो है निरीक्षण किया गया। झज्जर जेल में ये मिला कि हमारे पास जितनी भी कन्विक्ट वहाँ थी, जितनी भी कैदियाँ वहाँ थी, उनको सबको ट्रांसफर किया गया है रोहतक जेल में, क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है। जैसे ही वो काम खत्म होगा तो उनको वापस से जो है झज्जर जेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पुंडरी में आरटीए की टीम ने शुक्रवार को पुंडरी में 157 स्कूली बसों की जांच की। जांच के दौरान जो कमियां पाई गई उसे तुरंत प्रभाव से दूर करने के निर्देश दिए गए। जांच टीम के प्रभारी अनिल सैनी ने बताया कि विभाग द्वारा पिछले कई दिनों से की जा रही सख्ती के चलते अब स्कूल बसों की स्थिति में पहले से बहुत ज्यादा सुधार है, लेकिन अभी भी कई स्कूलों की बसों में कमियां हैं। 40% बसों में हेल्पलाइन नंबर डिस्प्ले नहीं किए गए हैं। इसके अलावा कई बस चालकों के पास 5 साल पुराने लाइसेंस नहीं है। कई स्कूलों की बसों के कंडक्टर या अटेंडेंट के पास लाइसेंस या रेड क्रॉस का प्रमाण पत्र नहीं है। सर, हमारे पास आज जो स्कूल बच्चीज को चेकिंग का शेड्यूल है तो और इसके अंदर जो सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत जो भी पॉइंट्स आते हैं उनकी एक हमारे पास 27 नॉर्म्स की जो है लिस्ट है। हम इनके तहत ही जो है चेकिंग कर रहे हैं। ड्राइवर का लाइसेंस हो गया, उसकी वैलिडेशन होगी, फिटनेस परमिट, गाड़ी का जो कलर कोडिंग है वो एज पर नॉर्म्स है कि नहीं है, और गाड़ी का बॉडी कंडीशन कैसा है, फिटनेस कैसा है, गाड़ी के अंदर जो CCTV स्पीड गनर जो अदर जो भी रिक्वायरमेंट्स जो सरकार की तरफ से हिदायतें हैं उन सब हिदायतों के हिसाब से हम इसको गाड़ी चेक कर रहे हैं। सर, गाड़ियां कितनी बुलाई गई हैं ये एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आज जो अपना पुंडरी एरिया है इसके सभी स्कूल्स को गाड़ियां भेजने के लिए बोला हुआ है। कैथल पुलिस ने एक युवक से मारपीट कर धार्मिक भावना को आहत करने वाले शब्द बोलने के मामले में 2 आरोपियों को काबू किया है। आरोपियों की पहचान जीन जिले के सिंगवाला निवासी ईशु और शेरगढ़ निवासी सुनील के तौर पर हुई है। दोनों आरोपियों को कल अदालत में पेश किया जाएगा। गौरतलब है आरोपियों की धरपकड़ के लिए जिला पुलिस द्वारा DSP गुरविंदर सिंह की अगुवाई में 5 सदस्यीय SIT का गठन किया गया था और CIA पुलिस, सिविल लाइन पुलिस और साइबर क्राइम की टीम आरोपियों के गिरफ्त में लगी हुई थी। वहीं आहत करने वाले शब्द बोले गए थे जिस संदर्भ में सिविल लाइन पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया। मैं सचता का दोस्त ही लगा लो तो उससे जो भी दिक्कत थी वो हमारे पास आया था, भी ऐसे ऐसे बात है तो हमने फिर अपनी टीम से बात की ऊपर तो उनसे उनकी बात करवाई तो उसके तहत ये सारा काम हुआ। आज हमारे चीका जंगी भाई या बड़े भाई साहब उनके दफ्तर में वो आया था, भी ऐसे ऐसे बात है, उन्होंने पहले भी कई रेडियां करवाई हैं, उनके पास आते रहते हैं ऐसे शिकायत करता भी हमें ऐसे ऐसे प्रशासन तंग कर रहा है, वो पहले भी कई रेड करा चुके हैं और सारी सक्सेसफुल हुई है। शिकायतकर्ता ने कितनी जमीन के इनको करवाने थे और कितने पैसे इसका इससे में मुझे लगता है एक ही एकड़ थी, एक किला लगा लो तो उसने पहले 27 की डिमांड की थी, 27,000 लगे तो इनका 14 में फिक्स हुआ था, 14,000 मीटर कर दूंगा मैं जो भी इनका काम था।
कहाँ का मामला है जी? ये राजौंद के पास गांव है इनका। मामला ये था, एक अपना सुनील कुमार जी हैं रोडू भूम के, उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक कंप्लेंट दे रखी अपना उनके के केस का फैसला हुआ है, तो उसमें कनगो द्वारा उनकी दखल वारंट की तमील की जा रही है, तो वो नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से उन्होंने 14,000 रुपये मांगे हैं, जिस पर उनको हमने 14,000 रुपये रेट के दौरान रंगे हाथों देते हुए पकड़ लिया है। क्या कुछ नाम था कानून का? कानून वो रणवीर सिंह जी हैं, ये उप तहसील रंजौंद के हैं। सर कहाँ से पकड़ा गया? ये तहसील उप तहसील रंजौंद से पकड़ा गया। कितनी रिश्वत मांगी थी? 14,000 रुपये मांगी थी और 14,000 रुपये किस काम के लिए दी? ये इन्होंने, इनका एक वारंट दाखिल था तो जमीन का बंटवारा हुआ था, तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।